के फोर इमेजिंग मेडिकल सिस्टम, डायरेक्टर मिस्टर कुलदीप। तो गाइज, ये कंपनी है जो रिफर्बिश्ड मेडिकल इक्विपमेंट में डील करती है, यानी कि सीटी स्कैन, एमआरआई, वर्क स्टेशन। ऑल इंडिया इनका नेटवर्क है। मेडिकल से रिलेटेड किसी भी बंदे को सीटी स्कैन, एमआरआई, वर्क स्टेशन, परचेजिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, यानी कि आप सीटी स्कैन परचेज कैसे कर सकते हैं, एमआरआई कैसे परचेज कर सकते हैं, वर्क स्टेशन परचेज करने का क्या प्रोसेस है, कितना प्राइस है, तो आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस कंपनी की एनसीआर में बहुत बेस्ट सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। बहुत जगह इनके सिस्टम लगे हुए हैं, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है इनका, बहुत बेस्ट सर्विस है। मैंने खुद यहाँ से 2 वर्क स्टेशन परचेज किए हैं और लेटेस्ट वर्जन यानी 4.7 भी ये प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर किसी को कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप मिस्टर कुलदीप डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, डायरेक्ट आप इनको कॉल कर सकते हैं। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सीटी स्कैन चेस्ट की फिल्म बनाना, कि सीटी स्कैन मशीन पर सीटी स्कैन चेस्ट की फिल्म कितने बनाए जाते हैं और कौन कौन सी विंडो बनाई जाती हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जब सीटी स्कैन चेस्ट हम करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि सीटी स्कैन चेस्ट में हम स्टडी कितने करते हैं। तो नंबर 1 स्टडी एक होता है एनसीसीटी चेस्ट। एक करते हैं हम सीईसीटी चेस्ट। और एक होता है हमारा एचआरसीटी चेस्ट। तो इन तीनों स्टडी की हमें फिल्म बनाना सीखना है। तो चलो, एनसीसीटी चेस्ट आपने किया, एनसीसीटी चेस्ट किसी पेशेंट का आपने कर दिया, तो उसमें 2 फिल्म बनेगा। एनसीसीटी चेस्ट में 2 फिल्म बनाते हैं हम। नंबर 1 एक फिल्म होती है जिसको बोलते हैं लंग्स विंडो। लंग्स विंडो ये किसी से पूछना नहीं है कि लंग्स विंडो बनानी है या नहीं बनानी, जब आपने सीटी स्कैन चेस्ट किया है, एनसीसीटी चेस्ट, ठीक है। एक बनेगा लंग्स विंडो, नंबर 2, और दूसरा बनेगा आपका मीडिया स्टेनम। ये 2 फिल्म बनाते हैं हम। एक फिल्म बनाते हैं लंग्स विंडो की और दूसरा बनाते हैं मीडिया स्टेनम विंडो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लंग्स विंडो में हम स्टडी जो करते हैं, हम तो लंग्स विंडो जो बनाते हैं वो बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। किसके लिए? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं? लंग्स देखते हैं। और मीडिया स्टेनम विंडो किस लिए बनाते हैं? इसमें देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मैं मशीन पर भी दिखाऊंगा ये सारी चीजें, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखते हैं इस पर। तो 2 फिल्म बनाते हैं। अब ये कितने का फॉर्मेट होगा, कितनी इमेज होंगे, स्लाइस थिकनेस क्या होगा, वो अब देख लेते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं एनसीसीटी चेस्ट, यानी कि एनसीसीटी चेस्ट की फिल्म बनाना सीख रहे हैं हम। फिर सिस्टम पे भी बताएंगे, लेकिन जो तरीका है, जो बेस है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कट कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होता। देखिए, जब आप एनसीसीटी चेस्ट करते हो तो स्कैन का जो मोड होता है वो होता है हेलिकल, क्लियर? और जो स्लाइस थिकनेस है, स्टैंडर्ड स्लाइस थिकनेस है, जैसे मल्टी स्लाइस मशीन है उसमें 2 mm पे स्कैन करते हैं या 3 mm पे स्कैन चलता है। बट जो हमें इमेज रिकंस्ट्रक्ट होके आता है फिल्मिंग के लिए, जो विंडो पे जो हम स्कैन जो करते हैं, तो साथ के साथ जो इमेजेस दिखता है वो होता है 5 mm का। कितने का? 5 mm। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जब हम फिल्म बनाते हैं तो फिल्म बनाने का स्लाइस थिकनेस कितना रखना है। तो इमेज का थिकनेस, जब हम जो फिल्म पे हम प्रिंट करते हैं, यानी कि इस वाली फिल्म पर ये जो प्रिंट आउट होता है ये वाला, इस पे जो फिल्मिंग दिया हुआ है, इस पे स्लाइस थिकनेस कितना होगा, ये है सीखना। तो फिल्मिंग का स्लाइस थिकनेस लिख लेते हैं, यानी स्लाइस थिकनेस 5 mm होगा किसका? फिल्मिंग का। किसी भी सिस्टम पर कहीं भी आप काम कर रहे हो, फिल्मिंग का स्लाइस थिकनेस रखना है 5 mm। एक चीज तो देख लिया आपने। सेकंड चीज इसमें देखना है कि स्टार्ट और एंड लोकेशन, यानी कि फिल्मिंग में 2 चीज देखना है, एक तो फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट कितना दे सकते हो आप, इमेज का स्लाइस थिकनेस कितना रखना है, और नंबर ऑफ इमेजेस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना नंबर ऑफ इमेज आप दे सकते हो। और सेकंड होता है विंडो, सेकेंड होता है विंडो।
तो आपने किया एनसीसीटी चेस्ट, तो प्लेन की दो फिल्म बनेंगी, प्लेन की कितनी फिल्म बनेंगे, दो। जब एनसीसीटी चेस्ट आपने कर लिया तो एक फिल्म बनाना है आपको, देखो 5x7 स्लाइस थिकनेस लिख लो 5 mm, तो एक फिल्म तो होगी ये लंग्स विंडो की, क्लियर। एक फिल्म तो ही बनेगा, दूसरा फिल्म बनेगा इसका मीडियास्टेनम, मीडियास्टेनम विंडो, इसका भी फॉर्मेट 5x7 कर लो। अब ये फिक्स नहीं है कि 5x7 ही देना है, बट एक स्टैंडर्ड है कि जो 14x17 का जो फिल्म होता है, यानी कि ये जो फिल्म आप देख रहे हैं, ये फिल्म जो देख रहे हैं, इस पर मैक्सिमम फिल्म आप कितना दे सकते हो, यानी जो फिल्म सीट है 14x17 का, इस पर आप कितना फिल्म सीट बना सकते हो, कितनी इमेजेस दे सकते हो, ये देख लो। ये मतलब बेसिक सी चीज है, जब आप किसी भी स्कैन का फिल्मिंग आप बनाते हो तो ये आपको देखना होता है। तो ये तो 14x17 की जो फिल्म है, इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि इसमें मैक्सिमम आप 40-45 इमेज प्रिंट कर सकते हैं एक्सजेल का। ये हर किसी उसके लिए है, ऐसा नहीं है कि इस पर आपने 100 इमेज डाल दिया एक फिल्म सीट पर 14x17 की पे, यदि आपको एक्सजेल फिल्म प्रिंट करना है तो मैक्सिमम 45। अब मशीन तो 100 देने के लिए भी मना नहीं करेगी, लेकिन यदि आप इस पर 100 इमेज डालोगे तो वो वेस्ट है, उसमें कुछ दिखने का। तो इसलिए स्टैंडर्ड चलता है 35 इमेज भी दे सकते हो आप, 40 भी दे सकते हो, 45 भी, बिना डाउट, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए हम जो प्रोटोकॉल चूज करते हैं, या तो 5x7 या 5x8 का फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वो हम मशीन पे भी अभी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एनसीसीटी चेस्ट, यानी कि एनसीसीटी चेस्ट में दो फिल्म बनेंगे। आपने एनसीसीटी चेस्ट किया तो भाई एक फिल्म तो बना दो, एक फिल्म तो बनेगी इस पर लंग्स विंडो, क्लियर कर लेना बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी फिल्म बनेगी इस पर मीडियास्टेनम, मीडियास्टेनम विंडो, दो फिल्म बनेगी। अब बात करते हैं सीसीटी चेस्ट, सीसीटी चेस्ट में क्या कंफ्यूजन होता है, देखो सीसीटी चेस्ट, सीसीटी चेस्ट में जो कॉन्ट्रास्ट वाली बनती है, यानी कि जो प्लेन फिल्म बनेगी, प्लेन फिल्म किसका बनेगा, प्लेन फिल्म लंग्स विंडो का, लंग्स विंडो तो जाएगी प्लेन, और जो कॉन्ट्रास्ट वाली देते हैं हम, वो देते हैं मीडियास्टेनम, क्लियर। एक्सेल ही जाएंगे दोनों, मतलब सीसीटी चेस्ट किया तो सीसीटी चेस्ट में प्लेन तो जाएगी लंग्स विंडो, और कॉन्ट्रास्ट वाली जाएगी क्या, मीडियास्टेनम, क्लियर। अब बात आती है एचआरसीटी चेस्ट, गाइस ये ध्यान रखना कि एचआरसीटी चेस्ट में ओनली हम लंग्स विंडो देते हैं, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं कुछ भी, ओनली लंग्स विंडो एचआरसीटी चेस्ट में, ओनली लंग्स विंडो प्रिंट करते हैं, दो फिल्म दे देते हैं हम, डिपेंड करता है मतलब एक्सेल तो देना ही होता है हमें, यानी 5x7 पे एक फिल्म सीट। देखो एक बार जब स्टार्टिंग में बनाना सीखते हैं तो उसके तभी हमें चीज नोटिस करनी होती है, जब बनाने के बाद इसके बहुत सारे तरीके हैं कैसे ही बना सकते हो, तो कहीं से स्टार्ट करने के लिए चीज प्लेटफॉर्म है। तो 5x7 पे आपने एक एक्सेल फिल्म दे दिया और एक दे दिया आपने कॉर्नल, 5x7 पे ही आप एक दे दो क्या, कॉर्नल। तो ये इसका प्रेजेंटेशन था कि जब हम सीटी स्कैन चेस्ट में बनाते थे, एनसीसीटी चेस्ट में दो फिल्म बनता है, एक प्लेन लंग्स विंडो, प्लेन मीडियास्टेनम विंडो। दूसरा जब हम सीसीटी चेस्ट करते हैं तो एक बनता है प्लेन लंग्स विंडो और दूसरा बनता है मीडियास्टेनम कॉन्ट्रास्ट, क्लियर। और यदि हमें बनाना होगा एचआरसीटी चेस्ट, तो एचआरसीटी चेस्ट में एक ही फिल्म बनाते हैं हम लंग्स विंडो पर, विंडो एक देंगे लंग्स, उसमें एक बना दो एक्सियल और एक बना दो कॉर्नल। तो अब देखते हैं हम जी के वर्क स्टेशन पर फिल्म किस टाइप से बनाई जाती है। हेलो गाइज, अब हमें इस पर सीखना है, ये जी का वर्क स्टेशन है 4.6। जब भी आप जी की मशीन पर जाएंगे,
4 स्लाइस, 16 स्लाइस, 128 स्लाइस, तो यही वर्क स्टेशन आपको वहाँ मशीन के साथ मिलता है। तो अब इस पर हमें सीखना है सीसीटी चेस्ट का फिल्मिंग करना। देखिए पेशेंट का नाम है रामविलास, ये लिखा है रामविलास पेशेंट का नाम है और ये हमने स्कैन किया है। तो अब इसको फिल्मिंग बनाने का क्या मेथड है, चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हमने अभी सीखा था कि हम जब सीसीटी चेस्ट करते हैं तो एक फिल्म बनाते हैं लंग्स विंडो का, क्लियर। तो लंग्स विंडो पर क्लिक करेंगे, ये लंग्स विंडो देख लीजिए, यहाँ पे भी शो करता है साइड में लंग्स विंडो है। तो इस वाले स्कैन को आप रिफॉर्मेट में ओपन करेंगे, ये देखो रिफॉर्मेट में क्लिक किया और रिफॉर्मेट में आपने ओपन कर दिया है, ठीक है, रिफॉर्मेट में ओपन हो जाएगा, ये हो गया रिफॉर्मेट में ओपन, ठीक है। अब हमें बनाना है इसका लंग्स विंडो, जो हम बोल रहे थे कि लंग्स विंडो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स की स्टडी करते हैं, इसलिए बनाते हैं हम इसमें लंग्स विंडो। देखिए तो एक्सेल फिल्म बनाना है हमें, ये देखिए एक्सेल स्कैन है जरा। अब हमें फिल्म कहाँ से बनानी होती है इस पर देखो, तो सबसे पहले जो जी का वर्क स्टेशन होता है उसमें सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करिए, देखो ऑप्शन का नाम है बैच, बैच एंड लूप के थ्रू हम फिल्म बनाते हैं। इसमें देखो यार बैच पे क्लिक कर दिया, बैच पे क्लिक कर दिया। बैच पे क्लिक करने के बाद में इस वाले ऑप्शन से फिल्म नहीं बनाना है आपको, इसके बाद यहाँ लिखा होता है लूप, ये देखिए ये लिखा लूप, आराम से देख लीजिए ये लिखा लूप, ये रहा लूप कर लिया। अब मुझे जिस पार्ट का इमेज बनाना है यानी कि जिस भी मुझे व्यू का इमेज बनाना है, मुझे बनाना है एक्सियल, तब मुझे पहले एक्सियल में स्टार्ट लोकेशन देखना होगा कि लंग्स का स्टार्ट लोकेशन क्या है। देखिए लंग्स का स्टार्ट लोकेशन ये है, जहाँ से लंग्स आना स्टार्ट होता है, यहाँ से लंग्स आना स्टार्ट हुआ, यहाँ आप क्लिक कर लीजिए, मतलब इस स्क्वायर में इस इमेज में कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए और आप कमांड दे दीजिए स्टार्ट लोकेशन, ये रहा यहाँ लिखा ना स्टार्ट, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक आपको फिल्म बनाना है, ये देखो इसको नीचे ले जाओ, जब ये लंग्स आपका पूरा दिखना फिनिश हो जाएगा, बंद हो जाएगा लंग्स दिखना, यानी कि अभी लंग्स आ रहा है और ये देखिए लंग्स यहाँ पे एंड हो गया, फिनिश हो गया लंग्स, तो ये हो गया इसका सेट एंड यानी कि एंड लोकेशन, ये एंड लोकेशन दे दिया। तो नंबर ऑफ इमेज कितना आया 225। अब हमें देखो मैंने बताया था कि 1417 की सीट पे आप 35, 40, 50 इमेज मैक्सिमम आप प्रिंट कर सकते हैं, तो अभी हम कर रहे हैं 35, ठीक है। तो इसमें आपको कीबोर्ड के थ्रू 35 एंटर आप डिजिट कर लीजिए, 35, चलिए 35 हमने एंटर कर लिया, 35 देन एंटर कर दो एंटर, तो 33 इमेज बनाया इसने, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद आपको फिल्मर पर जाना, देखो फिल्मर लिखा ये रहा, यहाँ देखो ये रहा फिल्मर लिखा हुआ ये रहा फिल्मर। अब इस इमेज पे प्रिंट करने से पहले आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, तो पहले आप फॉर्मेट सेट कर लीजिए, आप यहाँ जाइए ऊपर फॉर्मेट लिखा होता है, अब देखिए दिख रहा होगा आपको, यहाँ नीचे ले आओ इसको, ये देखिए लिखा फॉर्मेट यहाँ पे, क्लियर नहीं आ रहा है ये फॉर्मेट लिखा यहाँ पे, लिखा फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो कस्टम पे जाना है और आप 5x7 यानी कि 5x7 आप सेलेक्ट कर लीजिए, 7x5 नहीं 5x7, क्लियर 5x7 आपने सेट कर लिया यहाँ से, ठीक है मिनिमाइज कर लो इसको, मिनिमाइज कर लिया। अब यहाँ से देखिए आउटपुट, कभी कभी कमेंट आता है सर जो फिल्मर हम बनाते हैं वो फिल्म हमारा फिल्म सीट पे नहीं जाता, तो उसमें क्या होता है जो आउटपुट है ना आउटपुट, आउटपुट पे हम सेव करके रखते हैं तो ब्राउजर में सेव हो जाती है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट फिल्मर इमेज कर लीजिए। तो अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करिए और सीधा ये जाएगा फिल्म सीट पर, ये देखिए ये है। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि अब ये दो बॉक्स अभी इसमें एम्प्टी हैं तो ये हमें कॉपी या पेस्ट करना होगा, तो हम कॉपी कर लेते हैं दो इमेज इसमें, देखो ये कॉपी करने का ऑप्शन क्या होता है, ये देखो यहाँ पे क्लिक करिए और ये कॉपी का ऑप्शन है, ये रहा कॉपी, और इसको यहाँ पेस्ट कर दो, पेस्ट, ये पेस्ट कर लिया। अब इसी को यहाँ पे कॉपी करो और फिर से आप इसको पेस्ट कर दीजिए, ये रहा। तो ये एक फिल्म सीट बन गया लंग्स विंडो। अब इसको जूम कर लो, जूम करने के लिए राइट क्लिक करिए और जूम का ऑप्शन, और इसको जूम कर लीजिएगा, ये जूम कर लिया। तो एक फिल्म तो ये बनता है एनसीसीटी चेस्ट में,
मतलब एनसीसीटी चेस्ट होगा तब भी आपको प्लेन का लंग्स विंडो बनाना होगा। यदि आपने सीसीटी चेस्ट किया है उसमें भी आपको लंग्स का प्लेन विंडो देना होगा। तो एक फिल्म सीट तो ये हो गया। अब हमें बनाना है दूसरा जिसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम। तो इसको प्रिंट कर दीजिए, ये प्रिंट कर दिया मैंने, यहाँ से प्रिंट हो गया, क्लियर। मिनिमाइज कर दो फिल्म सीट को, मिनिमाइज कर दिया, हाइड कर दो, हाइड हो गया। अब मेरे को रिफॉर्मेट में मीडिया स्टेनम विंडो ओपन करना होगा। पेशेंट लिस्ट में जाओ, अब यहाँ से यहाँ लिखा है सी सीट चेस्ट, इसको डायरेक्ट आप रिफॉर्मेट में ओपन कर लीजिए। यस कर दो, ये आ गया आपका कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्टेनम विंडो, ये रहा, क्लियर। अब वही हमें सेम प्रोसेस इसमें भी करना होगा। आप बैच में जाइए, बैच पर जाके आपको लूप पर क्लिक करना होगा, लूप पर क्लिक कर दिया। इसके बाद मीडिया स्टेनम का स्टार्ट लोकेशन क्या होगा, देखिए जहाँ से मीडिया स्टेनम का मतलब क्या होता था, ग्रेट वेसल्स ऑफ हार्ट, ये मैं अनाटमी वाली जो वीडियो आएगा उसमें इसकी अनाटमी पढ़ाऊंगा, अनाटमी एंड पैथोलॉजी। देखिए तो अभी हम जहाँ से ये मीडिया स्टेनम स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए जो वेसल्स जहाँ से स्टार्ट हो रही, यहाँ से वेसल्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ दे दिया हमने सेट स्टार्ट, क्लियर। और अब जहाँ पे हर्ट यानी कि फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वहाँ तक फिल्म बनाते हैं। बट मोस्टली आपने देखा होगा कि किडनी तक बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। जहाँ आपका किडनी आ जाए, ये किडनी दिख रहा है, वहाँ पे आप इसको सेट एंड कर दीजिए। सेट एंड कर दिया, देन इसमें एंटर कर दीजिए 35। इस वीडियो में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस टाइप से मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, ये फ़िल्म फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेरी तरह ही कॉपी करके इमेज बनाना है, ये एक सिखाने का मेथड है जो हम डेली वर्क में हम स्कैन करते हैं। बट अगर किसी पेशेंट का पैथोलॉजी अप एंड डाउन जाता है तो हम स्टार्ट एंड लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए फ़िल्म बनाने के लिए आपको एनाटॉमी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मैं फ़िल्म बनानी सिखा रहा हूँ ये नॉर्मल फिल्मिंग है, जब स्कैन नॉर्मल होता है तो उसमें ही आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है स्कैन आपको देखना नहीं आ रहा, ऊपर डीप सर्वाइकल में पैथोलॉजी था या नीचे मीडिया स्टेनम तक हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी, आपने दिया नहीं, इतना ही स्टार्ट एंड ओकेशन लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। फिल्म बनाने के लिए आपको स्कैन का देखना आना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसमें लगा लिया सेट एंड और 35 इमेज कर लिया, और देन आप फिल्मर पे आप चले जाइए। तो 35 इमेज मेरी ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब क्या होता है कि मेरे को स्काउट भी देना है, टोपोग्राम भी फिल्म पे देना होता है। तो देखिए आप जहाँ से यानी कि फुल स्क्रीन कर लो, फुल स्क्रीन करने के बाद आप जहाँ पे क्लिक करेंगे, सपोज कर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक एक स्क्वायर को आप छोड़ दो, एक बॉक्स को छोड़ के हमने क्लिक कर दिया। अब मेरे जो फिल्म आएंगे यहीं से आएंगे वो, देखो मिनिमाइज़ करो फिल्म सीट, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना यहाँ पे, तो यहीं से मेरा फिल्म आएगा, यानी कि इमेज यहीं से इस पे जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, ये रहा एक रह गया ना लास्ट में, ये रहा, क्लियर। फुल स्क्रीन कर लो, फुल स्क्रीन कर लिया, एक इमेज यहाँ पे एक्स्ट्रा था, इसको डिलीट कर दो, कट कर दो यानी कि, ठीक है। जूम करो इसको, ये जूम कर लिया, मीडिया स्टेनम विंडो है। अब यहाँ पे आपको स्काउट डालना होगा। स्काउट डालने के लिए क्या करना है, फिल्म को मिनिमाइज कर लो और वीवर पर जाइए। वीवर पर जाने के बाद आप इसका स्काउट जहाँ पे है ओपन कर लो, ये स्काउट था, और F1 यानी कि कीबोर्ड में F1 जो की होता है उसको डायरेक्ट आप प्रेस कर दीजिए, F1 प्रेस कर दिया, और यहाँ से सीधा जाएगा F1 प्रेस करने से फिल्म सीट पर, ये आ गया फिल्म सीट पर। तो इसको स्काउट को अगर आपको जूम करना है तो इस पर डबल क्लिक करो और इसको जूम कर दीजिए, सॉरी इसको जूम कर दीजिए, और ये यहाँ आ गया, ये रहा स्काउट आपने सेट कर लिया। इसमें देखो दो कमांड होती हैं, बता देता हूँ मैं अभी। यदि आप फिल्म सीट पर 3 बार क्लिक करते हो, 3 बार ऐसे, तो सारी फिल्म एक साथ जूम होती हैं, एक साथ शिफ्ट होती हैं। यदि आपको पर्टिकुलर एक इमेज को जूम करना है तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर एक ही जूम होगी। ये देखो ये मैंने पहले भी बताया हुआ, छोटे छोटे ऑप्शन है, बार बार बताना, ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद एक रो को सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करो और यहाँ से आप सिंगल सिंगल सेलेक्ट इस पर कर सकते हैं। तो इस टाइप से बन गया ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्टेनम। तो गाइस इस वीडियो में हमने सीखा जब हम सीटी स्कैन चेस्ट करते हैं तो उसका फिल्मिंग बनाने का मेथड क्या होता है। तो दो फिल्म जाती हैं इसमें,
अगर ये एनसीसीटी चेस्ट होता तो मेडिस्टम हम देते प्लेन, अभी तो ये कॉन्ट्रास्ट है, फिर देते हम प्लेन लंग्स विंडो और प्लेन मेडिस्टम विंडो। अगर ये स्टडी एचआरसीटी चेस्ट होता तो हम ओनली लंग्स विंडो देते इसमें एक्सियल का। ये हो गया। अब सपोज करो आपको कॉर्नल फिल्म भी देना है, इसको मिनिमाइज कर लो। अब आपको देना है कॉर्नल, मैं कॉर्नल और बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से आप जैसे लंग्स विंडो का आपको कॉर्नल देना है तो क्लिक करिए लंग्स विंडो, ओपन कर लीजिए रिफॉर्मेट में। तो जिस टाइप से हमने एक्सियल का स्टार्ट एंड लोकेशन लगाया था ऐसे ही हमें लगाना होगा कॉर्नल का स्टार्ट एंड लोकेशन। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, देखो ये जो ओब्लिक लिखा है ना ओब्लिक, यहाँ पहले आप कॉर्नल कर लीजिए, कॉर्नल ये कॉर्नल कर लो। अब बैच में जाइए दोबारा से बैच और लूप में जाइए, यहाँ से अब आपको फिर से इसका स्टार्ट लोकेशन जहाँ से लंग्स स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट कर दिया, और जहाँ पे लंग्स एंड हो जाता है वहाँ पे आप लंग्स को एंड कर दीजिए ये रहा। और इमेज डाल दीजिए इसमें आप 30 या 35, चलो 35 हम एंटर कर लेते हैं, 35 और एंटर कर देते हैं, 37 पिक्चर हैं। फिल्मर पे जाइए, फॉर्मेट हमारा ऑलरेडी 35 का है तो आप डायरेक्ट इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फिल्म सीट पर। ये देखिए मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया फिल्मिंग का, एक पेज एक्स्ट्रा था ये डिलीट कर दो। अब आप इसको जूम कर लीजिए, ये जूम कर लीजिए, एक फिल्म ये बन गया आपका लंग्स विंडो का। तो गाइस सीटी स्कैन चेस्ट के अंदर हम यही फिल्मिंग बनाते हैं, तो आप बनाने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो कॉल करके इंक्वायरी कर सकता है, पूछ सकता है। जी के वर्क स्टेशन पर मैंने फिल्म बनाना बता दिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि सीमेंस पर हम फिल्म किस टाइप से बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।